नमस्कार, मैं शुभम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी ट्रेंड टेक्नोलॉजी में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो मैं करूंगा वो ओबीएस से रिलेटेड करूंगा, और ओबीएस में कैसे कैसे सेटिंग होगी उसके बारे में बताऊंगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है, हाउ टू यूज ओबीएस, इन वीडियो में मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको ओबीएस को यूज करना है, कैसे आपको रिकॉर्ड करना है, कैसे आपको लाइव जाना है। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप वहां से भी ओबीएस डाउनलोड कर सकते हैं और ओबीएस डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद का मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप ओबीएस इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, पूरा ब्लैक ब्लैक। ठीक है, अब बात करते हैं ना कि अगर आपको कोई पीपीटी कैप्चर करना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा डिस्प्ले कैप्चर। ठीक है, या आप कोई कैमरा लगाए हुए हैं उसमें, तो उसमें एड वीडियो डिवाइस करके करना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि आप चलिए, ये जो भी स्क्रीन है उसको मैं रिकॉर्ड करता हूं। अब देखिए, सबसे पहले मैं कैप्चर करता हूं इसमें डिस्प्ले कैप्चर। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑडियो इनपुट डिवाइस है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस है, कलर सोर्स है, डिस्प्ले कैप्चर है। तो यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर, डिस्प्ले कैप्चर में होगा क्या कि जो हमारा डिस्प्ले है, ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो कैप्चर करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा जो ओबीएस है वो पूरा डिस्प्ले कैप्चर कर रहा है। अब पूरा डिस्प्ले नहीं कैप्चर कर, आप देख रहे होंगे कि ओबीएस इतना तक है फिर कट जा रहा है, तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एडजस्ट हो गया। अब देखिए, एडजस्ट होने के बाद में देख रहे होंगे कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है ये चीजें। अगर आप चाहते हैं कि ये फिक्स हो जाए तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पे ना एक लॉक का सिंबल है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक लॉक का सिंबल है ना, आई के बगल में। तो इस लॉक के सिंबल को अगर हम क्लिक कर लेते हैं तो ये चीजें क्या होती है कि चीजें लॉक हो जाती है। अब आई वाला सिंबल किस चीज के लिए, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए ना कि कोई भी, अगर आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ यहीं पे सेटिंग कर सकते हैं। अगर मान के चलते हैं कि अगर आप नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, अगर आप नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, आपका कुछ इस तरीके का बोर्ड रहेगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, आपको क्वेश्चन वहां पे डालना है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि इतना दूर में आपका क्वेश्चन सेट कर लेंगे, इतना दूर में आप अपना क्वेश्चन सेट कर लेंगे और इधर अपना सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब इतना दूर में आप क्वेश्चन सेट करेंगे, ये चीजें आपके पास में अगर स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो आपको पता कैसे चलेंगे कितना दूर में क्या है कैसे है। उसके लिए भी हम ओबीएस में सेटिंग कर लेते हैं। अब देखिए, ये प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करके इमेज स्लाइड शो या इमेज पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान के चलिए हम इमेज पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए इमेज पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, कोई भी एक इमेज उठा करके यहाँ पे हम डाल देते हैं। मान लीजिए कि ये इमेज है हमारे तिरंगे की इमेज है, चलिए इसको हमने ऐड कर लिया, ओके कर लिया। अब ये चीजें देखिए यहाँ पे एडजस्ट है, इसको चाहे तो हम अपने हिसाब से बड़ा या छोटा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से चाहे तो इमेज या स्लाइड शो हम यूज कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा इसको भी, अब मान लीजिए ना कि अगर हमको इमेज देखना है या नहीं देखना है, तो अगर इमेज देखना अगर आप चाहें तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ऐसे ऐसे करके 20 क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जो आपको क्वेश्चन मान लीजिए ना, इसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो करके। फिर से एक इमेज ऐड करते हैं, इमेज ओके, ब्राउज करते हैं फीचर को और कुछ इमेज डाउनलोड में से निकाल लेते हैं। चलिए ये वाला मान के चलिए इमेज, ठीक है, ये वाला इमेज हमने ओके कर लिया। अब देखिए, ये इमेज ना इमेज 2 नाम से है और ये ऊपर में है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमको ये वाला इमेज ना दिखा करके हमको दिखाए कौन सा इमेज जो हम इससे पहले किए हुए थे। अब इससे पहले जो किए हुए थे उसको हमको अगर देखना है तो ये जो आई वाला सेक्शन है, आई वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेंगे, यानी कि वो इनविजिबल हो गया और ये जो सामने वाला था वो विजिबल हो गया। ये चीजें होगी। अब अगर आप डिस्प्ले कैप्चर कर पा रहे हैं, इमेज लगा ले रहे हैं, तो उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ सेटिंग के बारे में। तो जैसे कि सेटिंग में आप जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे स्ट्रीम में जाइएगा, अगर आपको लाइव करना होगा तो आप स्ट्रीम में जाइएगा। स्ट्रीम में जाइएगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे ट्विच है, यूट्यूब है, फेसबुक है,
कस्टम भी आता है, बहुत सारी चीज आपको यूट्यूब से जनरली लाइव जाना रहेगा, तो आप यहाँ पे यूट्यूब कीजिएगा और ऑटो सेलेक्ट किया रहेगा। अब देखिए स्ट्रीम की होता है, स्ट्रीम की आपको क्या करना है कि कोई भी अगर आप स्ट्रीम बनाएंगे तो स्ट्रीम में एक स्ट्रीम की रहता है, हर स्ट्रीम के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रीम की रहता है, जितनी बार नया बनाएंगे उतना नया नया स्ट्रीम की मिलेगा। अगर हाँ एक ही स्ट्रीम की पे आजकल फीचर है रील सेटिंग करके, तो स्ट्रीम की सेम रहता है, अगर एक बार कॉपी कर ले तो फिर बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो स्ट्रीम की आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद में यहाँ से अप्लाई कर लेना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे कुछ नया तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ से अप्लाई कर लेना है, अप्लाई करके आपको ओके कर लेना है और यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीमिंग का जो बटन है उसको दबा लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं ये चीजें जो होगी, अब बात करते हैं सेटिंग की, कैसे हमको पता चलेगा कि व्यूअर को, मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं जिनका इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है, वो चाहते हैं कि मेरा 720 पिक्सल में वीडियो जाए, कुछ चाहते हैं कि 480 तक जाए, जैसे कि लॉकडाउन में आपका 480 पिक्सल से ज्यादा का वीडियो नहीं चल रहा था, सो लोग 480 पिक्सल में ही वीडियो बनाते थे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से वापस आ जाते हैं सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पे वीडियो में आ जाइएगा, वीडियो में आइएगा तो ये देखिए यहाँ पे सारे सेटिंग दिए रहेंगे, ये बेस है, जितना बड़ा बेस लीजिएगा उतना रिजोल्यूशन आप आउटपुट में दे सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप बेस लेते हैं 1920x1080 का, तो आप इतने तक का आउटपुट दे सकते हैं, मतलब कि जितना का आप बेस लेंगे उतने का आउटपुट दे सकते हैं। वो सेटिंग करके फ्रेम रेट नॉर्मल 30 रखिएगा, जो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका ऑडियो के बारे में। ऑडियो देखिए, ऑडियो जनरली जो स्टैंडर्ड ऑडियो होता है, वो ऑडियो जो होता है वो 128 के बीपीएस से 196 के बीपीएस के ऑडियो को अच्छा माना जाता है। आप यहाँ से ऑडियो का भी सिलेक्ट कर सकते हैं या कुछ सेटिंग वगैरह करना है वो कर सकते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं, ये सब चीजें तो हो गई, आपको माइक ऐड करना होगा क्योंकि आवाज के लिए तो माइक तो ऐड करना पड़ेगा। तो सोर्स में जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा ऑडियो इनपुट कैप्चर है, ऑडियो इनपुट कैप्चर पे क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा। जैसे ही आप इस पे ओके कीजिएगा ना, आपसे डिवाइस पूछेगा कि कौन सा डिवाइस है। अभी जैसा कि ये बोर्ड में हमने कोई भी डिवाइस नहीं लगाया हुआ है इसलिए नहीं है, नहीं तो या तो यहाँ पे डिफॉल्ट रहेगा या तो कुछ ना कुछ नाम आएगा, उसको आप करके अगर ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो होता है डिस्प्ले जो होता है वो दिखाने के लिए होता है क्या साउंड है कैसा है। अगर आप जो भी चीजें बोलेंगे यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा कि हाँ इतनी चीजें, इतनी साउंड आ रही है, इतनी चीजें ऐसे ऐसे हो रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि जैसे आप बोलेंगे। अब अगर आपको साउंड बढ़ाना होगा या जो भी करना होगा तो आप ना इस पे डबल क्लिक कर लीजिएगा, डबल क्लिक कीजिएगा, यहाँ से ये चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी, जो भी अगर आपका माइक सेलेक्ट नहीं होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में फिलर्स में चले जाइएगा, फिलर्स में जब आप जाइएगा तो देखिए यहाँ पे ना तरह तरह के हैं, गेन है, कंप्रेसर है, नॉइज गेट है। तो गेन है, अगर आपको साउंड बढ़ाना है तो आप गेन कर लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा और साउंड अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको साउंड को, नॉइज को सेपरेट करना है तो यहाँ से जाइएगा और देखिए नॉइज सेपरेशन है, नॉइज सेपरेशन पर क्लिक करके ये चीजें खुद से कीजिएगा। अगर आपको उसके बाद भी कोई इशू आता है तो आप कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें तो होगी स्टार्ट स्ट्रीमिंग से लेकर के स्टार्ट रिकॉर्डिंग तक की बात है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को मैंने सारा चीज समझा दिया है, जो जो चीजें जानकारी चाहिए थी, ओबीएस में कैसे सेटिंग करना है, कैसे क्या करना है। इसके अगले वीडियो में ये जो सॉफ्टवेयर है टेक इन्फिनिटी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है और इसमें बहुत सारे टूल दिए गए हैं जो कि ध्यान में रख करके दिए गए हैं, चाहे आप केमिस्ट्री के टीचर हों, फिजिक्स के टीचर हों या किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप टीचर हैं, तो आपको उससे रिलेटेड जो टूल होंगी, कैसे आप यूज करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे आप इन्फिनिटी टेक का यूज करेंगे, कैसे आप इरेज करेंगे, कैसे आप प्लम इरेजर का काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें, सारी सेटिंग के बाद में हम इस वीडियो के बाद में आपसे बात कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा भी हेल्प किया होगा, और इसके आगे के वीडियो में आपको सेटअप पूरा दिखा दूंगा कि कैसे कैसे सेटअप होता है, कैसे क्या होता है, कहाँ कैमरा लगता है, कैसे लाइट लगेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, मैं आपको पूरा अपना सेटअप टूर भी करा दूंगा। तो उम्मीद है आपको भी थोड़ा सा भी जानकारी मिला होगा और थोड़ा सा आपको ऑनलाइन आकर के पढ़ाने में मदद मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।